बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा आरिफ और आप देख रहे हैं नजाए न्यूज। खबरों का आगाज करेंगे और शामिल करेंगे पाकिस्तान भर से इलाकाई खबरें। 13 जून 2022 सेकंड ऑफ रोड चैलेंज की तैयारियां मुकम्मल। मुल्क भर से आलमी शोहरत याफ्ता जीप रेसर की शिरकत। मजीद देखते हैं डीआई खान असद अब्बास की इस रिपोर्ट में। दुनिया झुकती है जब आप में जज्बा हो, दुनिया सलाम करती है जब आप में सलाहियत हो, दुनिया मानती है जब आप मुश्किल से लड़ जाते हो। ये खान पहली दफा आई हैं तो क्या महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और फर्स्ट टाइम इस ट्रैक पे गाड़ी चला रही हूँ तो होप सो इंशाल्लाह। क्या आ चुकी है? नहीं नहीं, ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट टाइम है। और ट्रैक है माशाल्लाह, ड्राइवर्स ट्रैक है, इधर काफी स्किल चाहिए होगा क्योंकि सीधा सीधा नहीं है। काफी ये कि दोबारा से ये इवेंट स्टार्ट हुआ है यहाँ पर। रेस्क्यूज इंसानों के साथ साथ परिंदों के लिए भी बाइस से शफकत है। दरख्त में लड़की केमिकल और में फंसे कब्बे को रेस्क्यू टीम ने बर वक्त कार्रवाई करके निकाल लिया। केमिकल डोर में फंसने से कब्बे के पर भी बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। जबकि वाकये की इत्तला मिलने पर 112 की रेस्क्यू व्हीकल फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गई और केमिकल डोर में फंसे कब्बे को निजात दिलवाई और आजाद कर दिया। शहर कोट राधा किशन से जहां SHO मलिक कफायत ने इंतहाई खतरनाक निशान और शानी डकैत गैंग के 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए। मजीद तफसीलात जानते हैं जूनियर से नुमाइंदा निजाम ने इमरान अशरफ से। हाँ जी बिल्कुल, SHO मलिक कफायत की बड़ी कार्रवाई DPO कसूर मोहम्मद सैफ अशरफ की खसूसी हिदायत पर थाना कोट राधा किशन SHO मलिक कफायत और उनकी पूरी टीम ने अंथक मेहनत व लगन से इंतहाई खतरनाक जिशान उर्फ शानी डकैत गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार। मुल्जमान के कब्जा से छीनी गई 2 लाख रुपए से जायद रकम, 10 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, 3 पिस्टल, नजायज असला और दर्जन से जायद गोलियां बरामद। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल करीम ने आज़ी समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। पुलिस ने रिश्वत खोरी का डिजिटल तरीका ढूंढ लिया। पुलिस डेरे पर मौजूद शहरियों की दीवार फुलांग कर अंदर दाखिल हुआ और शहरियों को दहशतगर्द करार दिया। कवेत से वापस आए शहरी साजिद की जेब से 15,000 रुपए छीन लिए। हथकड़ी लगाकर मजीद पैसों का मुतालबा किया। ASI ने कागजात, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी ले लिया। थाना में बुलाकर सादा कागज पर अंगूठा लगवाकर कागजात वापस किए। पुलिस ने साजिद की दरख्वास्त वसूल करने से इनकार कर दिया। शहरी ने हुकाम से इंसाफ की अपील कर दी। मेरा नाम साजिद जी, मैं कवेतों आया वहाँ। असी अपने रात अपने डेरे ते बैठे सी, उत्थे कोई दोस्त बैठे सी, उन्होंने कोई पता नहीं छादी सी उन्होंने, कोई उन्होंने किया नशा नुशा पता नहीं किया कि नहीं। ये कंधा 4 पुलिस वाले गए उत्थे, इन्होंने कंधा फलांगियां वा अंदर आ गए ये, तो इन्होंने आण के जी सारी तलाशी लैनी शुरू कर दी आ, सानू हथकड़ियां ला लिया वा। बाद दे विच जी मेरा पासपोर्ट सी, मेरा कुछ कागजात सी जरूरी इदा शनाख्ती कार्ड सी, वह इन्होंने छीन ले आ, तो मेरे को पैसे भी मेरे कढ़ ले जेब के विचों। बाद मैनू कहिंदे आ तू तू कौन आ, मैं दस्या जी मैं कवेतों आया। इन्होंने कहा तेरे को पैसे होर घट वा होर मंगा, फिर मैं इन्हों ईजी पैसा कराया वा।
मारूफ बिजनेसमैन पीआईपी ब्रिक्स कंपनी के चेयरमैन चौधरी अब्दुल रजाक जट के ओनार फरजन चौधरी उमर रजाक जट रिश्ता इस्तेवाज में बदले। तकरीब में सियासी और समाजी अशखास और दोस्त अहबाब और रिश्तेदारान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सियालकोट के सरकारी अस्पताल में लेडी डॉक्टर्स के साथ हाथापाई। साबका काउंसलर शेख असलम और साबका डिप्टी मेयर वरुण देव शाह के खिलाफ डॉक्टर ने थाना रंगपुरा में मुकदमा दर्ज कर लिया। असिस्टेंट डिविजनल चुनिया फुरम हमीद की आलाबाद कंगनपुर चांगा मांगा में खाद जखीरांदोज और रेड लिस्ट आवेदन न करने वाले कार डीलरों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी। तफसीलात बता रहे हैं चुनिया से नुमाइंदा नजायर न्यूज इमरान अशरफ। हाँ जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया खुरमीद की इलाहाबाद कंगनपुर छांगा मांगा में खाद जखीरा अंदोजों और रेड लिस्ट आवेदन न करने वालों खाद डीलरों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी। नजायर न्यूज से फिलहाल इतना ही, मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहे नजायर न्यूज। इसके अलावा आप हमें हमारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहे नजायर न्यूज। अल्लाह हाफिज़।